यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होने जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले गाजियाबाद इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक ग्लोबल समिट में करीब 9000 करोड़ रुपए के एमओयू और प्रस्ताव साइन किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर में 10000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने भी 503 करोड़ के एमओयू साइन किए। जिला प्रशासन इसमें 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसे 12 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं डीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 2031 मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, जिसमें किन किन हिस्सों में इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है इसकी जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के साथ ही जिले में 5 लाख रोजगार सृजित होने का आकलन किया गया है, और जिसमें सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर में 1 लाख से अधिक रोजगार मिलने के आसार हैं। को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनपद गाजियाबाद आज इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जनपद है, और हम जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे उनके सामने, हमारा जो एनएचएआई का नेटवर्क जो बढ़ा है, वहाँ पे एनएचएआई अपना एक प्रेजेंटेशन करेगा, एनसीआरटीसी अपना एक प्रेजेंटेशन करेगा, जीडीए की ओर से प्रेजेंटेशन होगा, साथ ही आवास विकास परिषद भी प्रेजेंटेशन करेगा, यूपी शीडा की ओर से प्रेजेंटेशन होगा, और एक सामान्य पॉलिसी के बारे में प्रेजेंटेशन हमारा जो है जिला उद्योग केंद्र करेगा।